नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। चलिए रूबरू होते अब तक की तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जीने की राह आज के इस पथ दर्शक सुविचार से। आप जितना प्रेम देंगे उतना प्रेम पाएंगे। आपके पास प्रेम जितना अधिक होगा उसे दान करना उतना ही सहज होगा। दर्शकों, जीने की राह के बाद अभी एक लेंगे ब्रेक। ब्रेक पश्चात देखेंगे संपूर्ण समाचार विस्तार से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। शहर के बिलपुरा में एक 4 वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया। आरोपी किशोर महादेव खंडारे, उम्र 27 साल। इस आरोपी को राजापेट पुलिस ने हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की है। आए दिन शहर में आपराधिक घटनाओं की बढ़ोतरी हो रही है। मंगलवार को दोपहर बेलपुरा के एक हैवान ने 4 साल के नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। नाबालिग की माँ काम पर गई थी। आरोपी ने नाबालिग को बिस्किट का लालच दिया था। घटना उजागर होते ही राजापेट पुलिस को बुलाया गया। आरोपी किशोर महादेव खंडारे, उम्र 27 साल, इसको हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया। आगे की जांच राजापेट पुलिस कर रही है। मंगलवार को अकोला से अमरावती की ओर आने वाले ऑल्टो गाड़ी के विरुद्ध दिशा की ओर जा रहे टाटा सुमो ने तेज गति से टक्कर मारी। यह दर्दनाक हादसा माना कुरुम के पास हुआ। हादसे में एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तो 4 गंभीर हुए। मृतक का नाम प्रवीण देवचंद, अडिया अकोला बताया जाता है। मंगलवार 18 अक्टूबर को मुस्लिम समुदाय की ओर से 5% आरक्षण मिलने हेतु जिलाधीश कार्यालय के समक्ष जमीयते उलमा हिंद की ओर से एक दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। हजारों की तादाद में मुस्लिम बांधव इस आंदोलन में सहभागी हुए तथा उन्होंने आंदोलन के जरिए निवेदन देकर अपना मत जाहिर किया। मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर मंगलवार 18 अक्टूबर को जिलाधीश कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। जमीयत उलमा हिंद ने इस धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। हाल ही में हुए मराठा क्रांति मोर्चा की पृष्ठभूमि पर मुस्लिम समाज ने भी मंगलवार को भव्य आंदोलन किया। जिलाधीश कार्यालय के समक्ष हजारों मुस्लिम बांधव आरक्षण के मुख्य मांग को लेकर पहुंचे थे। वाला ये वाला भी हक वाले हर हक ही बलन होता है, उसके ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता है। अल्लाह ने फरमाया वो जाल हक वजाहक अलबातिल इन अलबातिल काना जहूका, जब हक आता है तो बातिल चला जाता है। तो बातिल आया ही मिटने के लिए, खत्म होने के लिए, लेकिन हक वाले अगर अपना हक जो है अगर सही तरीके से नहीं मांगेंगे तो मेरे भाइयों हमको नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा जमीयत उलमा के खादिम होने के हिस्से जितने पुरसुकून अंदाज में आप अब तक बैठे रहे हैं और उम्मीद है कि मजलिस के अख्तिताम तक और प्रोग्राम आंदोलन के खत्म तक के जो है दुआ तक के आप यहाँ इसी तरीके से बैठे रहेंगे। धूप की तकलीफ है, प्यास की शिद्दत है, भूख का तकाजा है, ये कुर्बानियां है जब हमारे अकाबिर ने हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपने मुल्क के लिए और अपने हक के लिए दीन इस्लाम के लिए जाने निछावर की है। तो क्या हम धूप को और प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हमको इसका आदि बनना पड़ेगा, हमको ये पैगाम देना पड़ेगा कि अब ये बात नहीं चलेगी। एक नारा लगा, एक स्लोगन आपके सामने खिदमत में पेश करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि अन्य अत्याचार बंद करो, मुस्लिम आरक्षण डन करो, अन्य अत्याचार बंद करो, मुस्लिम आरक्षण डन करो, शरीयत में मुदाखलत बंद करो। वमा तौफीक इल्ला बिल्ला। यहाँ पर सभा का आयोजन भी धरना प्रदर्शन द्वारा किया गया और जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। इस आंदोलन का सीधा प्रसारण सिटी न्यूज चैनल द्वारा किया गया था। आज का यह हमारा धरना आंदोलन जमीयत उलमा महाराष्ट्र के आदेश के मुताबिक जमीयत उलमा जिला अमरावती की तरफ से था और हमारे दो अहम मुद्दे थे। आज एक है कि हमारा जो पर्सनल्ला महफूज है
कानून इलाही मालिक का बताया हुआ जो कानून है उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होना चाहिए। जो आज ये बात चलाई जा रही है तीन तलाक के मसले को उठाया गया, एक से ज्यादा निकाह के मसले को उठाया गया, ये ऐसे कानून है कि जो 1450 साल से पहले फिक्स है, इसमें कोई कमी पेशी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने ये आंदोलन छेड़ा है कि इस सिलसिले में हम कोई चीज कबूल नहीं करेंगे। जो हमारी बात महफूज है, फैसला महफूज है, उसमें छेड़छाड़ नहीं होना। मुजाहिद साहब ने वजाहत बयान फरमाई, उस ताल्लुक से मैं हमारे मोहतरम जनाब उद्धव जी ठाकरे साहब ने जो गुज़िश्ते दिनों एक बयान दिया था, इजहार ख्याल किया था कि जो रेप के मामला रोज बरोज पेश आ रहे हैं, हिंदुस्तान की हुकूमत को मुस्लिम कानून, राज ठाकरे जी ने जो बयान दिया था कि मुस्लिम कानून को नाफिज कर देना चाहिए, फिर देखे कि ये कहां पेश आते हैं। दिल्ली में गैंग रैप हुआ, जगह जगह चोरियों के मामला पेश आ रहे हैं, जगह जगह डाका जनी के मामला पेश आ रहे हैं, जगह जगह रिश्वतखोरी के मामला पेश आ रहे हैं। हम तो हुकूमत हिंद से कहते हैं कि बजाय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मुदाखलत करने के, आप कुछ सालों के लिए हिंदुस्तान पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लागू करके देखिए, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अजीम शान मुल्क बन जाएगा। मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण लागू करने के मांग को लेकर मंगलवार 18 अक्टूबर को जिलाधीश कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। जमीयत उलमाए हिंद ने इस धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। मंगलवार 18 अक्टूबर को मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण मिलने हेतु जिलाधीश कार्यालय के समक्ष जमीयत उलमा हिंद की ओर से एक दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। हजारों की तादाद में मुस्लिम बांधव जिलाधीश कार्यालय पर धमके थे। जमीयत उलमा हिंद की ओर से मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण मिलने हेतु जिलाधीश कार्यालय पर धरना आंदोलन किया। इस आंदोलन में सम्मिलित होने बहुसंख्यक मुस्लिम क्षेत्र के सभी व्यापारी प्रतिष्ठान बंद रहे। हजारों की संख्या में मुस्लिम बांधव जिलाधीश कार्यालय पर पहुंचे थे, जिसके लिए उन्होंने अपने सभी व्यापारी प्रतिष्ठान बंद रखकर इस आंदोलन में सहभाग लिया। अमरावती शहर के ट्रैफिक पुलिस विभाग द्वारा विशेष मुहिम चलाई जा रही है। अनेक युवक युवतियां अपने वाहन तेज गति से चलाकर स्टंट करते नजर आते हैं। इन स्टंटबाजों पर शिकंजा अब कसा जाएगा, इन पर रोज नजर रखकर कड़ी कार्रवाई करे जाने की हिदायत ट्रैफिक एसीपी डोंगर दिवे ने दी है। आता गणेश उत्सव आणि दुर्गा उत्सव संपल्यानंतर परत ट्रैफिक चे स्पेशल ड्राइव करणे सुरू केलेले आहे। बऱ्याच ठिकाणी समर्थ हायस्कूल, पंचवटी, इरविन चौक या ठिकाणी विशेष मोहीम राबवून वाहन चालकाविरुद्ध कारवाई करण्यात येत आहे। तसेच बरेच कॉलेज गोईंग मुलं हे स्टंटबाजी करतात आणि भरधाव वेगाने चालवणे, या त्यांच्याविरुद्धसुद्धा कारवाई सुरू आहे। दररोज त्यांच्यावर वाच ठेवून त्यांचेसुद्धा वाहनं पकडण्यात येत आहे आणि कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे। अशीच मोहीम कंटिन्यू सुरू राहणार आहे। मंगळवार को अमरावती शहर के श्याम चौक पर दुपहिया वाहन चालकों पर अमरावती शहर यातायात पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। अल्पवयीन चालक, स्टंटबाज, परवाना आदि की जांच की गई। शहर में तेजी से वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस निरीक्षक ए महाजन ने जानकारी दी। अमरावती शहर च्या वतीने पोलीस निरीक्षक श्री मालवीय साहेब यांच्या मार्गदर्शनात श्याम चौक अमरावती येथे आज विना नंबरच्या मोटरसायकल तसेच ट्रिपल सीट आणि रॉंग साईड जाणाऱ्या वाहनावर कारवाई करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे। सदरची मोहीम एक तासाची आहे। आतापर्यंत जवळपास 8-10 वाहनांवर कारवाई करण्यात आली आहे। जागेवर दंड न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक पश्चात मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, बने रहे सिड न्यूज के साथ।
ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। अब रूबरू होते कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों से। भ्रष्टाचार विरोधी संघ की ओर से अमरावती के अकुली से साईनगर रोड की मरम्मत की गई। रोड पर पड़े खड्डों में मुरुम डालकर उन्हें दुरुस्त किया गया। बीते कई दिनों से यह रोड ओबड़ धोबड़ था, जो नागरिकों को काफी परेशानी पैदा कर रहा था, जिसे अब कुछ हद तक इन नागरिकों को राहत मिलेगी। अकोली से साईनगर तक के रोड की हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी थी, जिसमें बड़े गड्ढे हो चुके थे। भ्रष्टाचार विरोधी संघ की ओर से नगरवासी द्वारा कुछ दान देकर इस सड़क की मुरुम डालकर मरम्मत की गई, जिसे कुछ हद तक अब परिसरवासियों को निजात मिलेगी। वतीन अकोली ते साईनगर रोड ये बांधकामाचं काम आपले आमदार आणि खासदार आणि नगरसेवकाचं होतं, ते त्यांनी केलं नाही परिपूर्ण। परंतु समाजसेवकाचं आज जरूर पडली आहे, तिथं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ती होत आहे, त्यासाठी आम्हाला समाजाला एकत्रित होऊन आज गटे उचवण्याचं काम करण्यात आलेलं आहे। ते माझ्याकडून माझ्या वतीनं माझ्या कार्यकर्त्याच्या संघाकडून आज आम्ही सर्वजण एकत्रित होऊन हे गड्डे बुजवत आहोत। तरी आपल्याला विचार करावा लागत आहे, जुना पुढं आहे, गड्डे बुजवण्याचं काम समाजसेवक करत आहे स्वतःच्या पैशानं, त्यांना विचार करण्याचं योग्य व्यवस्थित विचार करून खरे आहे। हा समाजाचा जे कार्य आहे ते करण्यात यावं। तुम्ही आजपर्यंत गड्डे कोणी बुजवले? आजपर्यंत यांनी आम्हाला सांगितलं, आम्हाला निधी मिळाली आहे, आज ना उद्या आम्ही काम करू, आज ना उद्या आम्ही काम करू असा प्रयत्न आहे। आम्ही आज थांबवलेलो आहोत। आजपर्यंत हे काम का रुकलं आहे हे आम्ही नगरसेवकला विचारा आणि संसदला विचारा, आमदारला खासदारला विचारा, त्यानंतर होऊ शकले नाही। म्हणून आम्ही समाजसेवक आज मैदानात उतरलेले आहोत। आम्ही स्वतःकडून आमच्या निधीतून आमच्या कार्यकर्त्याकडून चंदा करून सना हे काम करत आहोत। सिटी मल्टीस्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल कल्याण नगर में 13 अक्टूबर को कुछ बदमाशों ने हमला किया था। इस हमले के निषेध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रभारी जिलाधीश प्रदीप पवार को मंगलवार को ज्ञापन सौंपा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से सिटी मल्टीस्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल पर हुए हमले के निषेधार्थ प्रभारी जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रक्रिया चलाई जाए और डॉक्टरों को हमले से बचने के लिए संरक्षण मिले, ऐसी विविध मांग इस ज्ञापन में की गई। त्यासाठी दिलं की सिटी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल डॉक्टर पंकज बागडे प्रोप्रायटर आहे, त्यांचं हॉस्पिटल तोडण्यात आलं आणि हॉस्पिटल तोडण्यात आल्यानं आल्या त्याच्या मागं कारण असं की सिरियस पेशंट जो पॉयझिंगचा पेशंट होता त्या पेशंटचा डेथ झाला उपचारादरम्यान, आणि विशेष म्हणजे डॉक्टरांनी बिलाची मागणी नाही केली, जे ॲडव्हान्सेस भरले होते तेवढे भरले आणि त्याच्यानंतर कुठली मागणी न करताना पोस्टमार्टम झालं नाही पाहिजे, आणि 5-10 मिनिटात आले तर 15 जणांनी हॉस्पिटल तोडलं। मला असं सांगावं असं वाटते की एक व्हायोलन्स अँड प्रिव्हेन्शन एक ॲक्ट आहे 2010 जनतेला माहिती नाही, जनतेला या प्रसार माध्यमातून मला सांगायची इच्छा होते की इतका कडक ॲक्ट आहे की नॉन बेलेबल ऑफेन्स आहे, स्टॅट 50,000 रुपये फाईन आहे आणि त्याच्यानंतर जेवढं काही डॅमेज होतं ते सगळं भरून द्यावं लागतं आणि 3 वर्ष शिक्षा आहे त्याच्यात, आणि अशा पद्धतीचा ॲक्ट असताना अशा कृती करणं विकृतीपणा करणं हे चांगलं नाही आहे। डॉक्टर्स हे आपल्या सगळ्यांच्या चांगल्यासाठी विचार करतात, चांगल्या स्वास्थ्याचा विचार करतात, चांगले उपचार करतात आणि IMA हे याच्यासाठी बनलेलं आहे। आमच्यात काही त्रुटी असेल तर आम्ही भरून काढतो। मागणी हे आहे की सर्व आरोपींना अटक करण्यात यावं, फास्ट ट्रॅकमध्ये घ्यावं आणि 2010 ॲक्ट पूर्णतः लागू करण्यात यावा आणि सगळ्या जनतेला हे कळलं पाहिजे की 2010 ॲक्ट किती कडक आहे की डॉक्टरचं हॉस्पिटल तोडणे, डॉक्टरला मारायला धावणे म्हणजे किती कठीण प्रसंग आहे हा, म्हणून असं कोणी करू नये असं मला आवाहन करायचं आहे। मृत जिथे डेथ झाला आहे त्या कुटुंबाला आमच्याकडून IMA तर्फे सांत्वना आहे, श्रद्धांजली वाहतो आम्ही। कार्तिक मास के पावन पर्व पर श्री भगवान मूसाजी महाराज प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव तीर्थ क्षेत्र सालबड्डी में मनाया जाएगा। 17 नवंबर से 14 नवंबर तक इस महोत्सव में श्रीमद् भागवत कथा, जीवनामृत ग्रंथ पारायण, ग्राम गीता प्रवचन, कीर्तन आदि कार्यक्रम का आयोजन इस महोत्सव में किया गया।
इस उत्सव में भागवत कथा श्रवणकर्ताओं के निवास की व्यवस्था भी की गई। इस महोत्सव में भक्तगण उपस्थित रहकर आशीर्वाद प्राप्त करने का आह्वान संत श्री सांबा महाराज इनके शिष्य प्रकाश गुरु जी ने किया है। श्री मुंगसाजी माउली तीर्थ क्षेत्र धामणगाव देव तालुका दारवा जिल्हा यवतमाळ आणि ऐतिहासिक तीर्थ क्षेत्र सालबर्डी या ठिकाणी 1935 साली जो मुंगसाजी महाराजांनी महारुद्राभिषेक महायज्ञ पेटवला त्याचा 81 वर्षानंतर हा स्वर्णयोग त्या ठिकाणी आलेला आहे आणि त्या प्रीत्यर्थ भगवान मुंगसाजी महाराजांची मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा सर्व भक्त महाराष्ट्रामधील विदर्भातील यांच्या समन्वयाने दिनांक 14/11/2016 कार्यक्रम होणार आहे तेव्हा त्या कार्यक्रमाला सर्व मुंगसाजी माऊली भक्तांनी प्रामुख्याने हजर राहावे अशी धामणगाव देव तीर्थ क्षेत्रातर्फे मी सर्व माऊली भक्तांना विनंती करतो। हिंदू जनजागृती समिति व समविचारी हिंदुत्ववादी संगठनाओं की ओर से राजकमल चौक पर धरना आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में चाइना फटाकों पर बैन लगाने की मांग की गई तथा शिवाजी महाराज के कालीन गढ़ किलों को शासन की ओर से सुरक्षित रखने की मांग की गई। मंगलवार को हिंदू जनजागृती समिति व समविचारी हिंदुवादी संगठना की ओर से शहर के राजकमल चौक में धरना आंदोलन किया गया। पूरे भारत में चाइनीज वस्तुओं की खरीदारी की जाती है लेकिन चाइनीज फटाकों की वजह से होने वाले घातक प्रदूषण की वजह से इन पर बैन लगाने की मांग की। राज्य में गढ़ किलों की दुर्दशा को देखकर शासन ने गढ़ किलों को ताबे में लेकर गढ़ किलों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की मांग इस आंदोलन में की गई। आंदोलन में हिंदू महासभा के नितिन व्यास, मानव बुद्ध देव, अभिषेक दीक्षित, महेश लड़के, अतुल खोंड, नीलेश टवलारे आदि मान्यवर उपस्थित थे। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण रोको, पटाखे चलाना बंद करो। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण रोको, पटाखे चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, पटाखे चलाना बंद करो, बंद करो। हिंदू जनजागृति समिति, सनातन संस्था, योग विधान सेवा समिति, शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान, या सर्व संस्था मिळून, या सर्व संघटना मिळून या ठिकाणी आज एक आंदोलन करत आहेत। पण या आंदोलनातून दोन मागण्या या ठिकाणी केल्या जात आहेत। एक तर फटाक्यांवर पूर्ण प्रतिबंध घालावा, करोडो रुपयांची हानी करणारे फटाके यावर प्रतिबंध घालावा आणि विशेषतः भारत विरोधी कारवायांना प्रति पाठिंबा देणाऱ्या चीनमध्ये उत्पादित फटाक्यांवर पूर्ण प्रतिबंध घालावा। त्याबरोबरच दुसरी मागणी या आंदोलनातूनही केल्या जात आहे शासनाकडे की शिवाजी महाराजांचे 23 हून अधिक गळकोट जे खासगी मालकांकडे आहेत ते शासनाने ताब्यात घ्यावे, त्याची होणारी दुरावस्था रोखावी आणि त्यांचं संवर्धन करावं, या दोन मागण्या या ठिकाणी आज या आंदोलनातून सर्व हिंदुत्ववादी संघटनांकडून केल्या जात आहेत। महाराष्ट्र में नगर परिषद चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू की गई है। आचार संहिता की वजह से जिला परिषद के करोड़ों रुपए शासन को वापस जा सकते हैं। मेलघाट के सुविधा के लिए शासन ने जिला को करोड़ों रुपए उपलब्ध कराए दिए हैं, जिससे कुछ हद तक निजात मिले ऐसी मांग की गई। अमरावती जिले के 9 नगर परिषद में चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग ने 192 नगर परिषदों द्वारा 20 नगर पंचायतों के चुनाव कार्यक्रम घोषित किए हैं और आचार संहिता लागू कर दी है। इसके चलते आगामी मार्च तक राज्य के विकास कार्य प्रभावित हो जाएंगे। इसके चलते मेलघाट के विकास कार्यों को मिली करोड़ों रुपए की राशि जिला परिषद में वापस जा सकती है। मेलघाट के जिला परिषद सदस्य श्रीपाल पाल ने और जिला परिषद उपाध्यक्ष सतीश हाडोड़े ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिन नगर परिषदों के चुनाव होने जा रहे हैं उन क्षेत्रों में ही आचार संहिता लगाई जाने की मांग की है ताकि मेलघाट का विकास हो सके। जो आज नगर परिषद सार्वजनिक निवडणूक 2017 के लिए आचार संहिता लागू हुई है तो इसके पहले भी ये निवडणूक हुई है लेकिन इस प्रकार की आचार संहिता नहीं लागू हुई कि उसमें दिया कि जहां पे जिले में 4 जगहों से ज्यादा चुनाव है वहां पर पूरे जिले को आचार संहिता लागू किया है। तो ये यदि ऐसा आचार संहिता लागू रहती है तो हमारे जिला परिषद के माध्यम से जो हम लोगों ने अथक प्रयास करके जल्दी से जल्दी आचार संहिता लगने के पहले काम खत्म होने को ना, नियोजन होने को ना, हमने जिला परिषद की परिषद पूरी पूरी प्रमा वगैरह वगैरह सब डाल दिया है, प्रमा बन गई है लेकिन बाकी के काम प्रोसेस में है और प्रोसेस में काम होने की वजह से आज आचार संहिता अचानक लागू हो गई और पहली बार ऐसी आचार संहिता लागू हुई है।
इसमें सबसे बड़ा भाग है जो मेड़घाट का। अभी हाईकोर्ट ने सरकार को रताड़ा है कि कुपोषण, बाल मृत्यु, माता मृत्यु, हमारे मेड़घाट में जो पावसाड़ी पानी का जो सीजन गया है उसमें इतना ज़्यादा रोड, सड़क, पुलिया, आरोग्य केंद्र और स्कूल नादुरुस्त हो गई है, मतलब पूरी खंडित हो गई है। तो उसके लिए हमने बहुत बड़ा नियोजन किया है और अच्छे से पूरे मेड़घाट के काम होने की ये सोच के किया है। यदि आचार संहिता को शिथिलता नहीं दी गई, अपने क्षेत्र में मर्यादित रहे आचार संहिता जहाँ चुनाव है, तो मेड़घाट में यदि ये शिथिलता नहीं मिलती है तो मेड़घाट का जो बाल मृत्यु, कुपोषण, माता मृत्यु है उसका प्रमाण पहले से तो बढ़ा हुआ ही है लेकिन और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए अब देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण खबरें। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। पत्र परिषद में आगामी नगर पंचायत व जिला परिषद चुनाव हेतु त्रिसमिति की घोषणा की गई। त्रिसमिति में पालक मंत्री प्रवीण पोटे, आमदार अनिल बुंडे व जिला अध्यक्ष प्राध्यापक दिनेश सूर्यवंशी को समाविष्ट किया गया है। चुनाव हेतु प्रभारी व प्रमुखों की घोषणा की गई। पक्ष की ओर से चुनाव इच्छुक उम्मीदवारों की मुलाकात 23, 24, 25 अक्टूबर को होगी। यादि तैयार कर उसे अंतिम स्वरूप जिला चुनाव मंडल देने की बात पत्र परिषद में की गई। पत्र परिषद में प्राध्यापक दिनेश सूर्यवंशी, गजानन कोल्ले, जयंत आमले, सोमेश्वर वानखड़े, रवि देशमुख, प्रमोद नागमोते आदि मान्यवर उपस्थित थे। अमरावती जिल्ह्यातल्या 9 नगरपालिकांसाठीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे आणि या निवडणुकांच्या तयारीसाठी आगामी काय काय व्यूहरचना भारतीय जनता पार्टीने केलेली आहे यासाठी आजची ही पत्रकार परिषद बोलावलेली होती। यामध्ये आम्ही आमचे 9 नगरपालिकांचे निवडणूक प्रभारी आणि निवडणूक प्रमुख हे घोषित केलेले आहेत। त्यानंतर उमेदवारांची जी चयन प्रक्रिया आहे, निवड प्रक्रिया आहे, त्यासाठी आम्ही उद्यापासून जे जे कोणी भारतीय जनता पार्टीच्या चिन्हावर भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नगरपालिका क्षेत्रामध्ये निवडणूक लढवू इच्छितात अशा इच्छुकांकडून आम्ही आवेदन मागवत आहोत। हे आवेदन एकदा 23 तारखेपर्यंत पार पडले स्वीकारणं की 24, 25, 26 आम्ही पार्लमेंटरी बोर्डची निवडणूक मंडळाची बैठक आम्ही अमरावती इथे घेणार आहोत। एका जागेसाठी 3 इच्छुक उमेदवार असे शॉर्टआउट करून खालून तालुक्यातूनच नावं येणार आहे आणि त्याच्यावर मग अंतिम निर्णय पार्लमेंटरी बोर्ड करणार आहे। महाराष्ट्र प्रदेशाने 3 सदस्यीय समिती ही माननीय प्रदेशाध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलेली आहे, ज्यामध्ये जिल्हाध्यक्ष म्हणून मी स्वतः, पालकमंत्री माननीय प्रवीणभाऊ पोटे पाटील आणि आमदार डॉक्टर अनिल बोंडे यांची 3 सदस्यीय समिती या पूर्ण 9 नगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठी प्रदेशाकडून घोषित केलेली आहे। पण ही केवळ एकच समिती काम करणार नाही तर जिल्हा, ज्याला म्हणता येईल की निवडणूक मंडळ, पार्लमेंटरी बोर्ड हे आम्ही तयार केलेलं आहे। जिल्हाध्यक्ष म्हणून मी त्याचा अध्यक्ष आहे, माननीय अरुणभाऊ वडसड, माननीय पालकमंत्री, माननीय आपले रणजितजी पाटील, त्यानंतर सर्व लोकप्रतिनिधी, दोन्ही सरचिटणीस आणि काही निमंत्रित असा हा पार्लमेंटरी बोर्डाचा सगळा संच राहणार आहे आणि त्या माध्यमातून आम्ही सगळ्या पुढच्या गोष्टी या निर्धारित करणार आहोत। येत्या नगरपालिकेमध्ये भारतीय जनता पार्टी अतिशय ताकदीनं आपले उमेदवार उतरवणार आहे आणि जनतेसाठी दोन वर्षामध्ये नागरी भागामध्ये ज्या सुविधा आम्ही उत्पन्न केलेल्या आहे आणि त्याचा जो काही एक छोटासा ज्याला म्हणता येईल की ट्रेलर आम्ही दाखवलेला आहे, पूर्ण पिक्चर, पूर्ण सत्ता देण्यासाठी म्हणून मी सर्व नागरिकांना आवाहन करतो। अमरावती नगर का 48 वर्ष पूर्व रेलवे ब्रिज बना, आज वह ब्रिज अनेक जगहों से जर्जर हो चला है। अनेक स्थानों के पत्थर निकल चुके हैं तो अनेक स्थानों पर जाड जखंड उग चुके हैं। अपने निर्माण से बर्लिन की दीवार कहलाया यह ब्रिज अब टूटने की कगार पर है, लेकिन हमारे रहनुमाओं को और संबंधित अधिकारियों को अब तक कानों जू तक नहीं रहेंगी। क्या उन्हें इंतजार है किसी बड़े सदमे का? देखिए एक विशेष रिपोर्ट हमारे वरिष्ठ संवाददाता श्री अशोक भाई जोशी से। अमरावती का रेलवे ब्रिज अपनी उम्र के करीब 48 वर्ष पूर्ण कर चुका है।
जगह जगह से जर्जर हो चुका यह ब्रिज अब आमूला ग्रह परिवर्तन चाहता है। इस ब्रिज के संबंध में आइए थोड़ी सी बातें जाने। इसका निर्माण कब, क्यों और किस लिए हुआ हम आपको बताते हैं। किसी जमाने में अमरावती नगरी में स्थापित विश्व प्रसिद्ध वालकट, रैलिस, मोफिसल, एदलजी जैसे जीनिंग प्रेसिंग का कबास बैलगाड़ियों में लाद कर यहां से जबलपुर तथा वहां से कोलकाता फिर लंदन भेजा जाता था। दिनांक 16 अप्रैल सन 1853 में विक्टोरिया टर्मिनल से पहली रेलगाड़ी थाना तक चली। पश्चात सन 1859 के करीब अमरावती रेलवे स्टेशन निर्मित हुआ। उन दिनों रेलवे स्टेशन जंगल में स्थित था। वाहनों के बढ़ने से आवागमन बढ़ा। कपास के निर्यात के इस रेलवे स्टेशन से यातायात में बाधाएं आने लगी तो सन 1960 के दरमियान बरसों पुरानी रेलवे पुल की मांग ने फिर जोर उठाया। 1964 में प्रस्ताव मंजूर हुआ और सन 1968 में रुपए 22 लाख की लागत से यह ब्रिज ठेकेदार भगत सिंह भसीन ने बनाया। इस ब्रिज की लंबाई करीब आधा किलोमीटर है। आज हजारों राहगीर इस ब्रिज का उपयोग करते हैं, लेकिन समय की मार से अच्छे अच्छे निर्माण ढीले पड़ जाते हैं। वही हालत अमरावती के इस रेलवे पुल की हुई जा रही है। निर्माण निरंतर ढीला पड़ता जा रहा है। इस ब्रिज की उपादेयता को देखते हुए भली भांति तौर पर नए ब्रिज का निर्माण या इसका व्यवस्थित आमूलाग्र परिवर्तन किया जाए, ऐसी मांग उठती जा रही है। चरित्र अभिनेता ओमपुरी का दिनांक 18 अक्टूबर 1950 को जन्म हुआ था। उन्होंने हिंदी सिनेमा के अनेक फिल्मों में अपने जानदार और शानदार अभिनय से ये बात पुख्ता कर दी कि भले ही अभिनय में चेहरा मायने रखता है, लेकिन अभिनय में और दमदार आवाज से अलग ही विश्व निर्माण होता है जो सब दूर पसंद किया जाता है। ओमपुरी ने देश विदेश के सभी अनेक हिंदी फिल्मों तथा अंग्रेजी भाषा के फिल्मों में काम किया है। उनके जन्मदिन के अवसर पर सिटी न्यूज के ओर से चरित्र अभिनेता ओमपुरी को शुभकामनाएं। तो दर्शकों, आप देते बुलेटिन को विराम। अंत में सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय मातोश्री आर्केड सहकार भवन के सामने मुर्शी रोड अमरावती और हमारा दूरभाष क्रमांक है 3298161 और हमारा वेब एड्रेस है www.citynews.net.in। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे सिर्फ सिटी न्यूज और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप कहीं मत जाइए, देखते रहे सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार।